दोस्तों आप सभी का स्वागत है कि ना शिके इस पार्ट सिक्स वीडियो में। सो दोस्तों प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि किस तरह से हेकेनाशी को इस्तेमाल करना है, किस तरह से हेकेनाशी के यहाँ पर पर्टिकुलर वॉच लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के लिए, जो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोज आप यहाँ पर जरूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपके यहाँ पर बेसिक्स यहाँ पर क्लियर किया। आप देखिए हेकेनाशी पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 आप जरूर देखिए, तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि हेकेनाशी चार्ट होता क्या है, कैसे उसको यहाँ पर रीड करना है, बुलिश सेटअप, बियरिश सेटअप। इसी के साथ साथ स्ट्रेटेजी के लिए वॉच लिस्ट यहाँ पर कैसे प्रिपेयर करें, कैसे यहाँ पर एक 70 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट हम बना सकते हैं जिसे हम हर रोज यहाँ पर रिव्यू करेंगे। एंड एक और चीज मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहता हूँ, कल के वीडियो भी मैंने यहाँ पर अनाउंस की थी कि मैं यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, 100 दिनों के लिए 100 ट्रेड्स हम यहाँ पर बैक टेस्ट करेंगे। हम इसे अगर यूज करेंगे स्ट्रेटेजी को और देखेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर रिजल्ट दे रही है स्ट्रेटेजी, सो दैट उसके बाद आप यहाँ पर डिसीजन ले सको कि आपको यूज करना है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फर्स्ट मैं आपको अगर बताऊंगा कि कब हमें एंटर करना है हेकेनाशी के बेसिस पे, फर्स्ट हम ये यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद एग्जिट भी बताऊंगा कि बाय पोजीशन से एग्जिट कब करना है। सो बाय पोजीशन में एंटर हम कब करेंगे, अगर आपको बाय पोजीशन क्रिएट करनी है मार्केट में, फर्स्ट आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि ऐसा स्टॉक जिसके अंदर यहाँ पर डाउन ट्रेंड है या फिर ओपन इक्वल टू हाई है, मतलब बियरिश कैंडल बन रही है, क्या आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है जिस पर्टिकुलर स्टॉक्स में बियरिश कैंडल बन रहा है, जिसके ऊपर अपर वीक नहीं है, अपर वीक नहीं है, अपर वीक नहीं है, मतलब टोटली पूरा डाउन ट्रेंड में है, पूरा यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। सो इस तरह का स्टॉक आपको ऑब्जर्व करना है। अब डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक ट्रेंड एग्जॉशन कैंडल देखने मिलेगा, जो हमें क्या इंडिकेट करता है, हमें ये इंडिकेट करता है कि यहां से रिवर्सल आ सकता है या फिर हमें रिवर्सल देखने मिल सकता है, मतलब ट्रेंड यहां से चेंज हो सकता है। सो ये एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद अगर आपका बुलिश कैंडल बनता है, आप देखिए यहाँ पर लोअर वीक नहीं है, मतलब पे बुलिश कैंडल है, जो हमें क्या इंडिकेट करता है, हमें इंडिकेट करता है कि ट्रेंड एग्जॉशन के बाद जो पहले सेलर्स यहाँ पर मार्केट में डोमिनेटिंग थे, अब यहाँ पर सेलर्स का डोमिनेंस नहीं है, अब बायर्स ने टेक ओवर कर लिया है मार्केट को और बायर्स यहाँ पर ज्यादा डोमिनेटिंग है। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जैसे ही आपको इस तरह का पर्टिकुलर कैंडल आपको देखने मिलता है, नेक्स्ट आपको कल के दिन के ओपनिंग में डायरेक्टली आपको बाय करना है, जैसे मार्केट ओपन होगा आपको यहाँ पर बाय कर लेना है, बुलिश रिवर्सल ओपन इक्वल टू लो, बाय एट ओपनिंग, डायरेक्टली आपको ओपन जैसे यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ वैसे ही आपको एंटर करना है और आप यहाँ पर बाय पोजिशन क्रिएट कर सकते हो। सो इस तरह से बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना ही आपको किसी भी इंडिकेटर को देखना है, ना ही आपको यहाँ पर कोई और डेटा यहाँ पर देखना है, जस्ट प्योरली चार्ट के बेसिस पे। एंड जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, ना ही मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस आई एम शेयरिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी विथ यू ऑल, एंड हम इसे बैक टेस्ट करेंगे इसी चैनल के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा 100 दिनों के लिए कि कैसे यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। ओके सो ये तो हमने देख लिया एंटर कब करना है, अब एग्जिट कब करना है चलिए वो भी यहां पर देख लेते हैं। सो एग्जिट के लिए अब मान लीजिए कि अप ट्रेंड यहां पर कंटिन्यू हुआ, ओके यहां पर और भी यहां पर बुलिश कैंडल बने, यहां पर बुलिश कैंडल बने, सो उसके बाद आपको वेट करना है ट्रेंड एग्जॉशन कैंडल का। आप देखिए यहां पर एक ट्रेंड एग्जॉशन कैंडल बना, अब ट्रेंड एग्जॉशन के बाद अगर बियरिश कैंडल बनता है जिसका कोई अपर विक नहीं है, ये हमें बताता है बियरिश रिवर्सल, मतलब यहां से सेलर डोमिनेटिंग हो रहे हैं, पहले यहां पर बायर डोमिनेटिंग थे, अब यहां पर सेलर धीरे धीरे यहां पर टेक ओवर कर रहे हैं मार्केट को। अब इसके बाद जैसे यहां पर बियरिश कैंडल दिखता है आपको नेक्स्ट डे पे मार्केट ओपन होते ही आपको यहां पर एग्जिट कर जाना है, एग्जिट एट ओपनिंग, डायरेक्टली आपको एग्जिट कर जाना है मार्केट के ओपन होते ही। तो चलिए मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजी यहां पर वर्क करती है। सो सबसे पहले यहां पर मैं सभी ड्राइंग्स को यहां पर क्लियर कर देता हूं, हेकेनाशी चार्ट को यहां पर हम अप्लाई करेंगे। सो जो भी है मैं आपको बता रहा हूं ये आपको यहां पर डेली टाइम फ्रेम पे ही देखना है, आपको यहां पर डेली टाइम फ्रेम पे ही देखना है। अब चलिए मान लीजिए कि यहां पर एक डाउन ट्रेंड था, यहां पर एक बियरिश कैंडल बन रहे थे, डोजी कैंडल बना, डोजी के बाद ट्रेंड एग्जॉशन दो तीन बने एंड बुलिश कैंडल बन गया।
सो बुलिश कैंडल बना, सो यहां पर मैं नेक्स्ट डे पे एंटर करूंगा। चलिए यहां पर हम देखेंगे कि कितना आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, कितना आपका यहाँ पर लॉस हुआ। हम यहाँ पर डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंटेज का आपका यहाँ पर प्रॉफिट लॉस हुआ। सो अगर मैंने यहाँ पर एंटर किया था ओपनिंग के टाइम पे, एंड आप देखिए अभी भी यहाँ पर बियरिश कैंडल नहीं बना, अभी तक यहाँ पर ट्रेंड एग्जॉस्टन कैंडल बना है, फिर से यहाँ पर कंटिन्यू किया, यहाँ पर बियरिश कैंडल बना और नेक्स्ट डे पे ओपन होते ही मैं एग्जिट कर लूंगा। ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न आपने यहाँ पर कमाया 52 डेज में। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स में आपने 47 पॉइंट्स आपने यहाँ पर कवर किए 22% का रिटर्न। सो एक यहाँ पर स्टेबल रिटर्न है, एक यहाँ पर पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं डिसेंट रिटर्न है मार्केट में से कमाने का। यस, सो अब आप देखिए सेकंड डोजी कैंडल, ट्रेंड एग्जॉशन, देन बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल बना, सो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एंटर कर देता। सो कोई भी स्ट्रेटेजी लॉस प्रूफ नहीं होती 100%। आपको यहाँ पर हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी 100% हमेशा आपको प्रॉफिट तो नहीं देती, कभी कभार लॉस होगा, बट आप देखिए बहुत ही मिनिमल लॉस। यहाँ पर अगर मैं एंटर करता बेयरिश कैंडल, यहाँ पर बेयरिश कैंडल, आप देखिए यहाँ पर मैं एग्जिट कर जाता, लॉस नहीं हुआ, यहाँ पर 0.36% यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 पॉइंट यहाँ पर जस्ट मैंने निकाला है, बट ओवरऑल आप यहाँ पर लॉस में नहीं रहोगे। फिर से ट्रेंड एग्जॉशन, फिर से यहां पर मैं एंटर करता हूं, मान लीजिए यहां पर मैं एंटर कर देता हूं, सो यहां से मैं एग्जिट कर जाता हूं, 4% का रिटर्न, आखिरकार 4% का रिटर्न मुझे देके गया। ये मूवमेंट भी आप हर एक मूव कैप्चर कर पाओगे इस स्ट्रेटजी की हेल्प से, टेंशन मत लीजिए। हम इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे पूरी तरह से, मैं आपको बताऊंगा। 100 दिनों तक आप मेरे साथ बने रहिए और 100 दिनों तक हम इसे यहाँ पर बैक टेस्ट करके क्या रिजल्ट रहा, एक प्रॉपर एक्सेल शीट हम मेंटेन करेंगे, एक यहाँ पर ट्रेड लॉग हम मेंटेन करेंगे कि कैसे यहाँ पर एक परफॉर्म किया है और कितनी एक्यूरेसी रही है इस स्ट्रेटजी की। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे हमारे चैनल के ऊपर। सो बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस जर्नी के साथ, यहाँ पर और लोगों को जोड़िए, और हम यहाँ पर ये स्ट्रेटजी को यहाँ पर सक्सेस बनाना चाहते हैं, आप भी हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो यहाँ पर डिसलाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं, और आपको कौन सी यहाँ पर स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट आपको यहाँ पर क्या लगी, कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी, कमेंट करके हमें यहाँ पर जरूर बताइए। और सो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।